उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके तुरंत बाद नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां बताने का प्रयास करेगी, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार इस बार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। अनुपूरक बजट में अगर बात की जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं, तो वहीं नगर निकाय चुनाव को देखते हुए कुछ लुभावने सपने भी हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि अनुपूरक बजट में क्या आता है और किस तरह से सरकार उसे पेश करती है। अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार 5 दिसंबर को ही अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसके लिए अगर सत्र की शुरुआत के पहले जहां 4 तारीख को 11 बजे कार्य समिति की बैठक होगी और उसके बाद 12 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, जिसके बाद विधानसभा के कार्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा। तो इस बार ये जरूर है कि जो शीतकालीन सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव हैं और उसके बाद अगले साल होने हैं लोकसभा चुनाव। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष जहां हमलावर होगा, तो सरकार लोगों को लुभाने के लिए योजनाएं प्रस्तुत करेगी और अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रेश शुक्ला, द लीडर हिंदी।